प्रेमी जोड़े की गुहार पर पुलिस ने कराई प्रेमी युगल की मंदिर में शादी। पुलिस संरक्षण में शादी के बंधन में बंधे प्रेमी युगल जोड़े। थाना प्रभारी राजकुमार ने मंदिर में कराई प्रेमी युगल की शादी। साड़ थाना क्षेत्र स्थित हनुमान मंदिर में सोमवार शाम साड़ पुलिस ने एक प्रेमी युगल की शादी कराई। बताया कि प्रेमी युगल के परिजन शादी में अवरोध कर रहे थे। प्रेमी जोड़े ने पुलिस से शादी करवाने की मांग की थी। इस पर पुलिस ने आज दोनों की शादी करवा दी। शादी के बाद दोनों खुशी से नए जीवन में प्रवेश कर गए। जानकारी के अनुसार कानपुर के एक गाँव निवासी युवती ने रविवार को साड़ थाने पहुंचकर महिला हेल्प डेस्क में पुलिस को शिकायती पत्र देकर बताया थाना क्षेत्र के गाँव निवासी युवक से उसका बीते करीब 5 वर्षों से प्रेम प्रसंग चल रहा है। बताया कि जब उसने शादी की बात कही तो प्रेमी विवाह की बात सुन उसे टकराने लगा। युवती ने पुलिस को प्रेमी का नंबर दिया तो प्रेमी ने बाहर होने की बात बताकर सोमवार दोपहर साड़ थाने आने की बात कही। इस पर पुलिस ने उसे बुलाया जिसके बाद युवती अपने घर चली गई। सोमवार दोपहर युवती साड़ थाने पहुंची ही थी, कुछ देर में प्रेमी युवक भी आ गया। युवक ने पुलिस से शादी करने की इच्छा जाहिर की। युवक का कहना है कि युवती के घर वाले हम लोगों की शादी नहीं होने दे रहे, जिसके बाद प्रेमी युगल पुलिस ने अपनी शादी कराने को कहने लगे, जिस पर साड़ पुलिस ने थाना क्षेत्र स्थित हनुमान मंदिर में आनन फानन में मंडप तैयार करवाया। वहां पंडित जी ने मंत्र पढ़कर दोनों का विवाह संपन्न कराया, जिसके बाद प्रेमी जोड़े ने एक दूसरे को वरमाला पहनाई। युवती ने महिला हेल्प डेस्क में मिली सिपाही स्वाति मौर्य व अनामिका वर्मा का आभार व्यक्त किया तो युवक ने साड़ थाना अध्यक्ष के पैर छू कर आशीर्वाद लिया, जिसके बाद युवती युवक संग हंसते हंसते विदा की गई। कानपुर से वीरू यादव की खास रिपोर्ट।